बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं एक इशू जो जब इजलास शुरू हो रहा था उस वक्त भी उस पर बहस हुई थोड़ी, शिकारपुर में जो वाक़या हुआ है, कुछ वहाँ पर लोकल जो डकैत थे उनके और पुलिस के माबेन, उसमें हमारे इलाके के भी दो अफराद इनायतुल्ला और नकीबुल्ला साहब जो कि उनका अपना वो ट्रांसपोर्टर्स थे, उनको भी उन्होंने उठाया है और वो अपने साथ ले गए हैं। तो वो इस पर भी अगर आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू कुछ वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन लें कि क्या सिचुएशन है, हुकूमत क्या कर रही है। तो ये प्रोवेंशियल सब्जेक्ट लेकिन फिर भी एक काफ़ी सीरियस इशू है। दूसरी बात स्पीकर साहब, हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान के एक हमजूनी इलाके में है, वहाँ पर चार दिन से फिर एहतजाज हो रहा है कि वहाँ कर पर लोकाली चार जवानों को चंद दिन पहले वहाँ पर एफसी वालों ने उठाया हुआ है, बगैर किसी कायदे के, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए हुए वहाँ पर एक धमाका हुआ। धमाके के बाद फिर वो रैंडमली जिस तरह कलेक्टिव पनिशमेंट का सिलसिला चलता था वही सिलसिला अभी तक जारी है। तो ठीक है, यहाँ पर मजालिम पर बात होनी चाहिए, कश्मीर में भी जो हो रहा है, फलस्तीन में भी जो हो रहा है, लेकिन अपने घर में जो हो रहा है उस पर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि भाई जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और जो अगवाकारी हो रही है रियासत की उस पर भी थोड़ी बहस। जी जनाब शेर अकबर।